आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पाइस मनी की ओर से आने वाला एक नया अपडेट, जो कि स्पाइस मनी ऑफिशियल यहां पर एक ऐप को लॉन्च किया है, एप्लीकेशन को, जिसका नाम है ट्रैवल यूनियन। यहां पर देख सकते हैं ये वाला ऐप है ट्रैवल यूनियन। इस ऐप को स्पाइस मनी ने लॉन्च किया है नया ऐप। तो इस ऐप से आपको क्या क्या सर्विस मिलेगा, कितना फास्ट सर्विस मिलेगा और कितना लो कॉस्ट में आप टिकट्स वगैरह बुक कर सकते हैं, सारा कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल में हम लोग बात करेंगे और इसका क्या क्या प्रोसेस है सारा कुछ आपको बताएंगे। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारा प्रॉफिट होगा टिकट्स बुकिंग में और यहाँ पर होटल वगैरह में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप इस ऐप को ओपन कर लीजिए और इस ऐप का आईडी लेने के लिए स्पाइस मनी की ओर से कोई भी यहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। जो आपका स्पाइस मनी का आईडी है वही आईडी से आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर उसी आईडी से आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर लॉगिन करने से पहले आप उसके बाद यहाँ पर जैसे ही इस ऐप को खोलते हैं यहाँ पर ऊपर में अधिकारी आईडी और नीचे पासवर्ड देके लॉगिन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन करने से पहले मैं आपको कुछ डिटेल यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड स्पाइस मनी का देना है और इसमें आपको सर्विस क्या क्या मिलेगा, यहाँ पर ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं, बस टिकट बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं और होटल बुक कर सकते हैं। ये चार सर्विस आपको इस आईडी में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मान लीजिए आपको सारे कुछ फास्ट सर्विस दिया जाता है। स्पाइस मनी में जब आप बुक करते थे ये चार सर्विस, तो आपको कभी कभार यहाँ पर सर्वर इशू आ जा रहा था, बट इस ऐप में जब आप काम करेंगे आपको कोई भी सर्वर का इशू नहीं आएगा, यहाँ पर बहुत ही स्मूथली काम होगा। और जो कमीशन आपको मिल रहा था टिकट्स बुकिंग में और होटल बुकिंग में, उससे ज़्यादा कमीशन आपको इस ऐप में देखने को मिलेगा। इसी ऐप में आपको ज़्यादा कमीशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर आपको IRCTC प्रोवाइड कराता है या फिर होटल वगैरह बुकिंग करेगा, बस टिकट्स, ट्रेन टिकट वगैरह का अगर आपको आईडी प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी कोई ना कोई कंपनी रहता है मिडिल में। जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो वो जाता है पहले थर्ड पार्टी कंपनी के पास, तब जाता है मेन कंपनी के पास। बस स्पाइस मनी ने जब ये ऐप को लॉन्च किया तो इससे आप डायरेक्टली मेन कंपनी से कनेक्ट रहेंगे। यहाँ पर जो IRCTC है या होटल है डायरेक्ट उसी से कनेक्ट रहेंगे, यहाँ पर मिडिल में कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी नहीं रहेगा, जिससे और भी यहाँ पर काम स्मूथली होता है और यहाँ पर कमीशन भी मिलता है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जब आप कैंसिल करते हैं टिकट तो आपको 3 दिन लग जाता है रिफंड आने में पैसा, बट इस ऐप में आपको 3 दिन नहीं लगेगा, साथ साथ इंस्टेंटली यहाँ पर जो है रिफंड आ जाएगा आपका पैसा। और भी यहाँ पर बहुत सारा एडवांस फ्यूचर दिया गया है जिसके बारे में आपको आगे बात करेंगे, पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना स्पाइस मनी का आईडी और पासवर्ड एंटर कर दिया है और यहाँ पर जो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन लिखा आ रहा है यहाँ पर आपको चेक मार्क करना है और सिंपली लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तो OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं आपके स्पाइस मनी वॉलेट में जितना बैलेंस है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद पहला ऑप्शन, यहाँ पर ट्रेन टिकट आप बुक कर सकते हैं, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं और बस टिकट बुक कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही फास्ट सर्वर दिया गया है जिसके मैंने आपको पहले ही बताया। जैसे आप स्पाइस मनी वेबसाइट में या एप्लीकेशन में बुक करते हैं, सेम यहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। जो भी सर्विस आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक कीजिए और आगे का प्रोसेस सेम ही रहता है। मार्केट में कोई भी ऐसा कंपनी नहीं है जो कंपनी इतना एडवांस फ्यूचर लॉन्च करे। स्पाइस मनी एक ऐसा कंपनी है जो कि बहुत ही एडवांस फ्यूचर को यहाँ पर लॉन्च कर चुका है। और यहाँ पर ट्रेन टिकट का आपको आईडी लेने में बहुत ज़्यादा चार्ज लगता था, बट अभी स्पाइस मनी इतना लो कॉस्ट कर दिया है जिसमें कंपनी में कोई भी यहाँ पर इंडिया में कंपनी नहीं है जो इतना लोएस्ट कॉस्ट में आपको IRCTC वगैरह का आईडी दे और इतना कम कॉस्ट में सारा काम करवाए, विथ बेस्ट सर्वर यहाँ पर अभी दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप अभी ट्रेन टिकट का आईडी लेते हैं तो आपको ओनली 1100 रुपीज़ में मिल जाएगा ट्रेन टिकट का आईडी। आपको अगर चाहिए तो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, आपको मैं आईडी दे दूंगा। और अगर आप स्पाइस मनी का आईडी लेंगे तो वो बिल्कुल फ्री है, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वाला ऐप चाहिए तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऐप में फ्यूचर दिया गया है, पहले आप ये वाला डैशबोर्ड देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर हिस्ट्री का आपको ऑप्शन मिल जाता है, वॉलेट हिस्ट्री आप देख सकते हैं, IRCTC हिस्ट्री,
फ्लाइट वगैरह सारा कुछ का यहाँ पर हिस्ट्री देख सकते हैं। मोर वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको कॉन्ट्रकास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि स्पाइस मनी ने भी ये कॉन्ट्रकास्ट वाला दिया है। यहाँ पर आपको ऊपर में नाम देखने को मिल जाता है। अगर आप बहुत सारा टिकट्स बुक करते हैं तो आप इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही फास्ट और एडवांस सर्वर को दिया गया है, मिडिल में कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी नहीं है इस ऐप में, तो आप यहाँ से आप काम कर सकते हैं। जो भी आपको ऑप्शन चाहिए, जो भी बुक करना है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। सिंपली मैं देख सकते हैं फ्लाइट टिकट में बुक किया, जैसा आप पहले करते थे वैसा सेम प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। बस ऐप को सिर्फ अपडेट किया गया है, यहाँ पर नया सर्वर दिया गया है। इंडिया में बहुत सारा कंपनी जो ये सारा सर्विस प्रोवाइड कराता है, बट स्पाइस मनी से आप जब इस ऐप से बुक करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना यहाँ पर एडवांस सर्वर दिया गया है, और यहाँ पर कमीशन भी आपका बढ़ जाएगा सारे प्रोसेस में, और टिकट्स का प्राइस भी बहुत ही कम हो जाएगा इसमें, जो कि थर्ड पार्टी नहीं रहने कारण यहाँ पर आपको सारा मार्जिन वगैरह हाई देखने को मिल जाता है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। अगर आपको स्पाइस मनी का आईडी चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको स्पाइस मनी का आईडी दे दिया जाएगा। IRCTC का आईडी अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो इस ऐप में लॉगिन करें और IRCTC का आईडी लेने के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट करें। बहुत ही लो कॉस्ट में ओनली 1100 रुपीस में आपको IRCTC का आईडी प्रोवाइड किया जा रहा है अभी फिलहाल, तो इस ऐप से आप काम कीजिए। और अगर कोई डाउट है तो मैंने आपको सारा कुछ डिटेल बता दिया।